नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी ऑडियोबुक्स प्रस्तुत करते हैं कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का 15वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। हमारे इस ऑडियोबुक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। अध्याय 9 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? चित्र 15.1 देखिए। क्रियाकलाप 1। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकी बनाते हैं। फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए। देखिए क्या होता है। क्या फिरकी घूमती है? फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वातसूचक को घूमते हुए देखा है? चित्र 15.3 देखिए। यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है। 15.1। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अपनी मुट्ठी बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप 2। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबोएं। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही हैं। यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? चित्र 15.5 देखिए। 15.2। वायु किससे बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। जलवाष्प। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जलचक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन। क्रियाकलाप 3। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की दो मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला लें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं?
आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? विचार करें। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है, नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ नाइट्रोजन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप 4। अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिरी के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों में हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? चित्र 15.7 देखिए। ये कण क्या हैं? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती हैं। चित्र 15.9 देखिए। बूजो आपसे यह पूछ रहा है कि चित्र 15.8 में पुलिसकर्मी ने मुखौटा क्यों पहना है। पहेली जानना चाहती है कि अगर पारदर्शी शीशे की खिड़कियों को नियमित रूप से साफ न किया जाए तो वह धुंधली क्यों हो जाती है। बूजो जानना चाहता है कि आग लगने की घटना के समय जलती हुई वस्तु के ऊपर कंबल लपेटने की सलाह क्यों दी जाती है। 15.3। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। क्रियाकलाप 5। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए। इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? चित्र 15.10 देखिए। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्या ऐसा नहीं है?
वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं। पहली जानना चाहती है कि क्या ये छोटे छोटे वायु के बुलबुले तब भी दिखाई देंगे यदि हम वायुरोधी बोतल में रखे ठंडे किए हुए उबले हुए पानी को पुनः गर्म करके इस क्रियाकलाप को करते हैं। अगर आप इसका उत्तर नहीं जानते तो ऐसा कीजिए और देखिए। क्रियाकलाप 6। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए। इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। चित्र 15.11 देखिए। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के ढीले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? 15.4 वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है? अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? चित्र 15.12 को देखिए। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमुख शब्द: वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की। सारांश: वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अभ्यास: पहला सवाल, वायु के संघटक क्या हैं? दूसरा सवाल, वायुमंडल को कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? तीसरा सवाल, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है? चौथा सवाल, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? पांचवां सवाल, रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? छठवां सवाल, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है? सातवां सवाल, हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के किस अवयव की आवश्यकता होती है? आठवां सवाल, पांच क्रियाकलापों की सूची बनाएं जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। नौवां सवाल, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। पहला, एक साफ शीशे की खिड़की पर जो एक खुले क्षेत्र की ओर खुलती हो कागज की एक आयताकार पट्टी लगा दें। कुछ दिन बाद इस पट्टी को हटाएं। क्या आप खिड़की के ढके हुए आयताकार स्थान तथा बाकी खिड़की में कुछ अंतर पाते हैं?
इस क्रियाकलाप को प्रत्येक माह दोहराने से आपको अपने चारों ओर की वायु में विद्यमान धूल के कणों की मात्रा का वर्ष के भिन्न भिन्न समयों में बोध हो जाएगा। दूसरा, सड़क के किनारे पर उगे वृक्षों एवं झाड़ झंकार की पत्तियों का प्रेक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि क्या इनकी पत्तियों पर धूल अथवा कालिक तो नहीं जमी है। इसी प्रकार का प्रेक्षण विद्यालय परिसर अथवा किसी बाग के पेड़ों की पत्तियों के साथ कीजिए। क्या सड़क के निकट के वृक्षों की पत्तियों पर एकत्रित कालिक तथा बाग या विद्यालय की पत्तियों पर एकत्रित कालिक में कोई अंतर है? इस अंतर के क्या संभावित कारण हो सकते हैं? अपने शहर अथवा कस्बे का मानचित्र लीजिए। इस मानचित्र में उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां सड़क के किनारे के पादपों पर कालिक की बहुत मोटी परत देखी है। इन परिणामों की अपने सहपाठियों के परिणामों से तुलना कीजिए तथा इन क्षेत्रों को मानचित्र पर अंकित कीजिए। कदाचित सभी विद्यार्थियों के परिणामों को सारांशित करके समाचार पत्रों में छापा जा सकता है। हमारी पाठ्य पुस्तक का 15वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो से संबंधित कोई शिकायत या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आपसे मिलेंगे इसी पाठ्य पुस्तक के 16वें अध्याय में, जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।